मैं तो गधेड़ों पर निशाना लगा रहा था, ये पाकिस्तान तो गधे का ट्रेड करता है, ये गधा ही रह जाएगा, इससे कुछ ना होने वाला है, ये बेचारा छोकरेबाजी में ही बर्बाद हो जाएगा। औरतों को कैसे कपड़ा पहनना है, औरतों की छाती कैसे ढकवानी है, औरतों को हिजाब कैसे पहनाना है, औरतों को चार औरतों को अपने बेड पर पॉलीगेमी के नाम से कैसे लाना है, लव जिहाद कैसे करवाना है, कन्वर्शन कैसे करवाना है, मस्जिदें कैसे तोड़वानी है, तो इसी चीज में पाकिस्तान रह गया और मदरसा छाप लोग रह गए। देखिए, मदरसा मदरसे के बच्चों से आप पूछिएगा कि विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होता है, वो आपको नहीं बता पाएगा। मैथ्स क्या होता है, वो आपको नहीं बता पाएगा। आप उससे पूछिएगा ज्योग्राफी क्या होता है, वो आपको नहीं बता पाएगा। लेकिन एक सनातनी धर्म के बच्चे से आप अगर पूछिएगा ना कि विज्ञान क्या होता है, तो अगर वो स्कूल नहीं भी पढ़ा है ना, तो वो बता देगा। एलजेब्रा क्या होता है, वो अगर स्कूल नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो वो बता देगा। अगर आप उससे पूछिएगा कि साइंस क्या होता है, ज्योग्राफी क्या होता है, वो बता देगा। क्यों बताएगा? क्योंकि ऋग्वेद उसने पढ़ा हुआ है और ऋग्वेद में ये सारी चीजें हैं। नाजिया जी, यहाँ ना मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अभी कुछ टाइम पहले, आई गेस 6 months हो गए इस बात को, या 7 months हो गए होंगे, इंडिया के एक मदरसे के बच्चों ने ही रॉकेट लॉन्चर बनाया था, हिंदुस्तान के मदरसे के बच्चों ने। वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी, बहुत मिलियंस पे गई थी और सबने उस पर रिएक्शंस भी दिए थे। वो हिंदुस्तान के मदरसे के बच्चे दिखाइए मुझे वो वीडियो। नहीं, वो सच में है और इवन मैंने भी उस पर रिएक्शन दिया हुआ है अपने चैनल पे। अपने चैनल से ही दिखाती मैं जरूर देखना चाहूंगी वो वीडियो। हिंदुस्तान में हर उस मुसलमान बच्चे की कद्र है और उसको सर्वप्रथम और सर आंखों पर बिठाया जाता है, जो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे होते हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा हूँ। आपकी नजरों में आया तब है, मैं पब्लिक रिएक्शंस करती थी और हमने पब्लिक रिएक्शन मैंने उस पे इस तरह से किया था कि यार यहाँ हमारे मदरसे के बच्चों को क्या सिखाया जाता है और उनके मदरसे के बच्चों को क्या सिखाया जाता है। भाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री तो कहते ही है ना कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दो, जिसके लिए हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत नाराज भी हुए थे, मौलवी मुल्ला बहुत नाराज हुए। अरे लेकिन क्यों इस बात पे क्या नाराजगी? क्योंकि अगर वो रिलीजन कॉन्शियस है तो रिलीजन भी तो यही कहता है कि दीन और दुनिया दोनों साथ लेके कोई नहीं, चलो। मैं समझ गई हूँ आपकी बात को। मैं अब आपको इसका डिटेल में बता देती हूँ कि देखिए, आप हिंदुस्तान के छोटे छोटे बच्चों से, जब क्लास 4 5 के बच्चों से आप बात कीजिएगा ना महवेश, तो वो आपको विज्ञान की बात बताएगा, वो आपको ज्योग्राफी की बात बताएगा, वो आपको अपने अपने करियर की बात बताएगा। मेरा मेरा बेटा मात्र 13 साल का है, आप उससे बात कीजिएगा ना, तो आपको लगेगा कि आप किसी मच्योर लड़के से आप बात कर रही हैं और उसको पता है कि उसको अपने करियर में क्या करना है। अभी आप उससे पूछिएगा कि बेटा तुमको क्या बनना है, वो कहेगा मुझे पायलट बनना है, मात्र 13 साल का। तो हमारे हिंदुस्तान के जो बच्चे होते हैं, अभी मैं दिल्ली में थी और दिल्ली में मुझे बहुत आदत है सबसे बात करने की, रोड में भी मैं सबसे बात कर लेती हूँ। तो मैं जब कोर्ट से निकल रही थी, एक बच्चा गाड़ी में बैठ रहा था स्कूल से, उसकी माँ लेकर जा रही थी, मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने पूछा कि अरे कहाँ जा रहा है तुम? मैं तो जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ बहुत, सुबह से मैं स्कूल में था। मैंने कहा सिर्फ थक गए हो या कोई और बात है? अरे नहीं आंटी जी, आप समझ नहीं रहे हो ना, मुझे अपने अपने दोस्तों के साथ ना प्लांट्स प्लांट्स लगाने हैं अपने गार्डन में, ग्रीनरी करनी है मुझे अपने गार्डन में, और मैं लेट हो रहा हूँ, आप मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, मुझे प्लांट्स लगाने, मेरे दोस्त लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल बात सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 28 घंटे, 28 भी नहीं हुआ होगा, मैं आई थिंक सैटरडे के दिन, तो सैटरडे के दिन कुछ आई थिंक 2 या 2:30 बजे की बात है। ये बच्चा कह रहा है, कौन सा बच्चा कह रहा है? मुश्किल से वो 7 या 8 साल का बच्चा होगा, मुश्किल से 7 या 8 साल का बच्चा है, कह रहा है आंटी हम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे प्लांट लगाने के लिए जाना है, मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं, ग्रीनरी ग्रीनरी करनी है, ग्रीनरी करनी है। तो ये है हमारे हिंदुस्तान के बच्चे, जो 13 साल की उम्र में जानते हैं कि मुझे पायलट बनना है, जो जो 6 साल की उम्र में जानता है कि हमारी धरती को, हमारे एनवायरमेंट को ग्रीनरी बहुत पसंद है। हमारे बच्चों का दिमाग जो है वो वैज्ञानिक तरीके से चलता है। आज आप सोचो, पूरी दुनिया में इसरो ने अपना नाम सब सर्वप्रथम लिखवा दिया, भाई नासा की आंखें पथरा गई, नासा सोच में पड़ गया है।
बच्चे बच्चे वेनस और प्लेटो और सन और मून के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों को पता है कि आसमान में कितने सितारे और किन किन सितारों का नाम क्या है, ये मेरा बेटा आपको बता देगा। तो ये है हमारा कल्चर। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का जो दारोमदार है ना, वो शिक्षित लोगों के हाथ में है, क्योंकि 82% से ज्यादा हिंदुओं ने ऋग्वेद पढ़ा है ना, और ऋग्वेद में तो शिक्षा ही शिक्षा है, कोई ठरकबाजी वाली तो बात नहीं है जैसे हमारे इस्लाम में। ऋग्वेद में तो शिक्षा ही शिक्षा बताई गई है। तो ये ग्रीस की जो मतलब विजिट रही है वो बहुत खूबसूरत रही है। वन अर्थ वन वन फैमिली का नारा लगा है, साथ ही साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री को सिविलाइजेशन के बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, सीना चौड़ा होता है। नाजिया जी, ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर का अवार्ड मिला है जिन पीएम मोदी को, उन्हीं पीएम मोदी जी को आज से कुछ बरस पहले एक चाय वाला के नाम से जाना जाता था, एक चाय वाला पुकारा जाता था, और पाकिस्तान में स्पेशली चाय वाला कह के लोगों को जो है ना, अगर किसी को ट्रॉल करना होता था तो चाय वाला की एग्जाम्पल दी जाती थी और इस तरह पीएम मोदी को रिलेट किया जाता था। आज उस चाय वाले ने पूरी दुनिया को कहाँ ले जाके इंडिया को दिखाया है और किस तरह से बताया, किस तरह का प्राउड मोमेंट होता है। ठीक है, मैं खुद बहुत गरीब घर से आई हूँ, बहुत गरीब घर से, और मेरे माता पिता ने, मेरे माँ बाप ने सिर्फ और सिर्फ हमें डिग्री, सिर्फ और सिर्फ हमें एडुकेशन दिया, इल्म की दौलत दी, कोई प्रॉपर्टी जायदाद या चार चक्के गाड़ियों में हम स्कूल नहीं जाया करते थे। मैं तो ऑर्फन स्कूल से पढ़ी थी, मतलब जो खैराती स्कूल होता है, मैंने क्लास 10 तक उससे पढ़ा है, ओनली बिकॉज के मेरे फादर की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो बहुत सारे पैसे फीस में जमा करते, तो इसलिए। और क्लास 10 से ही मैं ट्यूशंस पढ़ाया करती थी, मेरी बड़ी बहन भी ट्यूशन पढ़ाती थी, और मेरी मम्मी जो है वो टीचर थी, जिस पर सैलरी बहुत कम थी, तो उस वैसे करके मेंटेन किया गया। और सिर्फ एक ही चीज बचपन से दिमाग में डाली गई है कि तुम्हारे हालात तभी सुधर सकते हैं जब तुम अपनी शिक्षा कंप्लीट करो, तुम इस दुनिया में देखी जाओगी, जानी जाओगी, ओनली बिकॉज योर एडुकेशन एंड नथिंग एल्स। ये तुमने कोई तीर नहीं मारा है कि तुम मुसलमान हो। मैं मुसलमान हूँ, मेरी माँ ने ये बात कही कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने अपने कोख से तुमको जन्म दिया है, इसलिए तुम मुसलमान। मैं अगर गाय होती, मैं अगर बकरी होती, मैं तुमको जन्म देती तो तुम बकरी ही पैदा होती। तो ये कोई बहुत बड़े तीर मारने की बात नहीं है कि तुम मुसलमान हो। ये होगा कि एक एक बच्ची जन्म ली है एक बहुत छोटे से 200 स्क्वायर फीट के घर में, और जिसकी जिसका एडुकेशन हम करवा रहे हैं एक ऑर्फेन स्कूल में, जहां पर 360 रुपए सिर्फ साल का जमा किया जाता है, और वहां से निकल करके अगर तुम देश में अपना नाम बनाओगी तो तुमको समझ में आएगा कि मुसलमान लड़कियों के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है, तब तुम सही से एक्सप्लेन कर पाओगी। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री चाय वाले हैं, उनको बहुत ट्रोल किया गया, उनको बहुत मीम बनाया गया, और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तानियों ने बनाया था। हिंदुस्तान के मुसलमान भी कम कम नहीं है, हर गली में अजमल खसब है यहाँ, तो यहाँ पर मुसलमानों ने बहुत उनको ट्रोल किया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है महविश, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद बहुत गरीब घर से आई हूँ, तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि भूख की जो शिद्दत होती है ना, वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है 200 दूर स्कूल पैदल जाने का जो पैर का दर्द है ना, वो मैं समझ सकती हूँ। तो जब मैं इस पोजीशन पर बैठी हूँ तो मुझे बार बार ऐसा फील होता है कि हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी मुस्लिम लड़कियां हैं वो शिक्षित हो जाएं, क्योंकि जब वो शिक्षित हो जाएंगी ना, तो वो पॉलीगेमी का शिकार नहीं बनेंगी, वो हलाला का शिकार नहीं बनेंगी, उनको कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा, उनको कोई मिसलीड नहीं कर पाएगा, उनको बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनाया जाएगा, निकाह मुत्ता के नाम पर उनको बिस्तर का सामान नहीं बनाया जाएगा। अगर वो शिक्षित हो जाती हैं तो वो खुद से अपनी जंग लड़ना सीख लेती हैं। तो इसलिए मेरा फोकस हमेशा रहता है कि मैं मुसलमान लड़कियों को इनकरेज करूं, प्रोवोकेट करूं कि भाई तुम पढ़ो। तो उसी तरीके से जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक चाय वाले से जब भारत के प्रधानमंत्री हुए, तो उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस भारत के पसमानदा लोगों पर किया, भारत के गरीबों को के ऊपर फोकस किया, और गरीबी को मिटाने के लिए लाखों योजनाएं लेकर के आए, और आज ऐसी हालत है कि आप मेरे भारत में आइएगा तो एक छोटे से छोटे और कोसों दूर गांव में भी जाइएगा तो आपको बिजली, नेटवर्क, इंटरनेट, सबके हाथ में स्मार्टफोन, बच्चियों के हाथ में साइकिल, आप रोड बहुत खूबसूरत, बिल्कुल हाईवे जैसा रोड, नल से जल, घर में गैस चूल्हा, घर में अच्छा शौचालय, सारी चीजें आपको मिलेंगी।
जो लोग सब्जी बेचते हैं उनके पास भी बैंक अकाउंट है, उनके वो भी यूपीआई यूज करते हैं, जो लोग सब्जी बेचते हैं चटाई पर। तो भारत यहाँ यहाँ कौन लेकर आ पाया, जो जानता था कि गरीबी क्या होती है और गरीबी को मिटाना कितना जरूरी है, गरीब लोगों को कितनी अंदर से एक कमी महसूस होती है, उस कमी को दूर करना बहुत जरूरी है। तो ये तो वही समझ पाएगा ना जो गरीब था। तो भारत के प्रधानमंत्री जी गरीब थे तो इसलिए वो समझ पाए। अब राहुल गांधी तो नहीं समझेंगे क्योंकि वो तो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए, वो तो शहंशाह पैदा ही हुए, उनको क्या पता। ब्रेड में बटर लगा करके देता था, चार नौकर बगल में होता था, हमें घर भी पोछना होता था, कपड़ा भी धोना होता था और पढ़ाई भी करनी होती थी और ट्यूशंस भी पढ़ाना होता था। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री को चाय भी बेचना होता था और उसके बाद फिर अपने संस्कार संस्कृति अपने सनातन धर्म को भी मानना होता था और लोगों के लिए अपने आप को 24 घंटा तैयार भी रखना होता था कि हम लोग के काम आ सके, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। नाजिया जी इसको वाइंड अप करते हैं, आखिरी बात आपसे पूछती चलूं, जैसे अभी हमने पीएम मोदी का जिक्र किया कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और वो बहुत शोर हैं, वो क्या भारत की अवाम भी, जनता, पूरी दुनिया बहुत शोर है कि अगला आने वाला टेन्योर भी उन्हीं का होगा, तो क्या बीजेपी पार्टी जिस तरह से अरूज पे जा चुकी है, क्या दूसरी पार्टी का खात्मा हो गया या अभी भी कोई फ्यूचर बाकी है? खात्मा ही है, बस सांस ले रहे हैं सब, और सांस ले रहे हैं। क्योंकि अभी अभी पूरी दुनिया में अगर हिंदुस्तान को कोई जानता है तो वो हिंदुस्तान के बाद दूसरा नाम पीएम मोदी है जिससे वो जानते हैं। तो आप कहते हैं कि कभी भी उनका टेन्योर साइड पे हटके या जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चल रही होती है और हिंदुस्तान को संभालने के लिए, पूरी बात नहीं सुन पाई, हिंदुस्तान को संभालने के लिए क्या कोई और पीएम मोदी हिंदुस्तान में बन सकता है? कोई नहीं, कोई भी नहीं, वन एंड ओनली पीएम मोदी। और अल्लाह उनको बहुत सारी हयात दे, अल्लाह उनको बहुत सेहत दे, अल्लाह उनको और भी ज्यादा एनर्जेटिक रखे ताकि हमारे बाल बच्चों के वक्त भी वो पीएम रहें और हम ये देश और तरक्की करे। आज हमारा झंडा चांद तक पहुंचा है, हम इसरो तैयारी कर रहा है सूर्य पर जाने की, इसरो तैयारी कर रहा है विनस पे जाने की, और आगे आगे जो है वो पूरे विश्व में पूरी दुनिया में जिस तरह से हमारी इज्जत हमारे झंडे का मान सम्मान हो रहा है वो और बढ़ता रहे। एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरी पहली और आखिरी पसंद सिर्फ पीएम मोदी ही होंगे और कोई नहीं। नाजिया जी क्या आप लोगों ने दुआ सुनी कि वो चाहती हैं पीएम मोदी तब तक रहे जब तक मेरे बच्चे इस मुल्क के लिए बड़े हों? खैर थैंक यू सो मच नाजिया जी, होपफुली आप लोगों की सारी दुआएं काम आए और साथ वाले पड़ोसी मुल्क को देखते हुए ऐसा कुछ अच्छा नेक इंसान और काम हमारे